विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियां शुरू। निर्वाचन विभाग एक्शन मोड में है। जिला निर्वाचन अधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला, 33 जिलों के कलेक्टर्स, एडीएम शामिल, ईसीआई में निदेशक, ईवीएम एस सुंदरम ट्रेनिंग दे रहे, ईवीएम और वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच हो रही, हैंड्स ऑन प्रक्रिया द्वारा ये जानकारी दी जा रही है। भेल के इंजीनियर्स जानकारी दे रहे हैं। जिलों में कुल 64,626 बीयू और 64,626 सीयू की जांच जारी है। वहीं 69,791 वीवीपैट मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच होगी और इसके बाद ईवीएम की कमीशनिंग की जाएगी, जिसमें भी राजनीतिक दलों की प्रतिनिधि शामिल होंगे। वर्कशॉप शुरू होने के साथ ही जो चुनावी तैयारियां हैं निर्वाचन विभाग की, उसका आगाज हो चुका है और हमारे साथ हैं सीईओ प्रवीण गुप्ता, उनसे बात करते हैं किस तरह की तैयारियां रहेंगी। सर देखिए, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा फर्स्ट लेवल चेक जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का होता है, जो कि सभी जिलों में 15 मई से आरम्भ किया जाएगा और ये 20 दिन तक चलेगा, जिसमें बेल के इंजीनियर्स जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, भारत सरकार का उपक्रम है, उसके द्वारा इन मशीनों की चेक किया जाएगा। ये लगभग 2 लाख मशीनें हैं, जिसमें सीयू, बीयू और वीवीपैट मशीनें हैं। इसके बाद आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि उसके भी कई स्तर होते हैं। एक बार मशीन ये फर्स्ट प्रथम स्तरीय चेकिंग है, क्योंकि उसके बाद क्या रहेगा, क्योंकि जब जिलों में जाएंगी तो वो पूरा परफेक्ट होना चाहिए मशीन का कारगर होना। देखिए, ये मशीनें जिलों में ही वेयर हाउसेज में बने हुए हैं, उनमें रखी हुई है और ये पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधियों के समक्ष ये कार्रवाई की जाएगी। इसके पश्चात तो जब कैंडिडेट आते हैं उसके बाद उसको कमीशनिंग करते हैं हम लोग, तो पहली कार्रवाई ये बेल इंजीनियर्स जो कि लगभग 240 की संख्या में आएंगे हर जिले में, 5 जून तक रहेंगे प्रत्येक जिले में, और पॉलिटिकल पार्टी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया गया है पूरी प्रक्रिया को देखने के लिए और उनके समक्ष ये कार्रवाई की जाएगी। पहले जो भी कुछ भ्रांतियाँ थी ईवीएम और वीवीपैट को लेकर, वो तकरीबन दूर हो चुकी हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आम जनता को, कि जो इस तरह के बार बार प्रचार या दुष्प्रचार होता है उसको? देखिए, ये जैसे ही ये फर्स्ट लेवल चेकिंग ख़त्म होगी, हम लोग पूरे प्रदेश में लोगों को अवेयर करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, अवेयर करने के लिए मतदाताओं को, जो युवा मतदाता हैं पहली बार आए हैं, उनको हम लोग ये मशीन हमारी अवेयरनेस मशीनों के द्वारा जगह जगह कॉलेजेस में, स्कूल्स में और पंचायत के स्तर पर हम लोग ये कार्यक्रम रखकर उनको मशीनों के बारे में पूरी जानकारी देंगे और दिखाएंगे। साथ में जो राजनीतिक दलों की भागीदारी है, प्रत्येक स्तर पर ईवीएम जैसे ही चेक होगी, हर स्तर पर जैसे कमीशनिंग होगी या कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और प्रत्येक स्तर पर उनकी भागीदारी, वेबकास्टिंग, कैमरा आदि सब लगे हुए हैं और वो लगातार इसको मॉनिटर कर सकते हैं। हमने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जिला कलेक्टर के मार्फत अनुरोध किया है कि वो इस प्रक्रिया में अपनी पूर्ण भागीदारी निभाएं। जहाँ तक आमजन का सवाल है, ये हम लोग इसका पूरा प्रचार प्रसार करेंगे। तो ये हैं सीईओ प्रवीण गुप्ता और इन्होंने काफ़ी तफसील से ये बातें बताई कि किस तरह से प्रथम स्तरीय चेकिंग हो रही है और जिसके कमीशनिंग जब होगी जब ईवीएम की, तो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की किस तरह से भागीदारी रहेगी और तमाम जो फैक्ट्स हैं ईवीएम के बारे में और जो तमाम भ्रांतियाँ हैं उसको दूर करने का एक व्यापक प्रचार प्रसार किस तरह से किया जाएगा। और साथ ही इन्होंने बताया कि 17 प्लस के जो वोटर्स हैं, करीब 5 लाख, वो किस तरह से पहली बार जो लोकतंत्र की आहुति है उसमें अपनी आहुति देंगे, जो यज्ञ है उसमें अपनी भूमिका निभाएंगे। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।